हेलो व्यूअर्स, आज हम एक और ब्रेव सेलर्स के सीरीज के साथ आए हैं। तो डेफिनेटली आपको अभी तक हमारा ब्रेव सेलर्स का मोटिव का आइडिया तो लग गया होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हम आप जैसे ऑफलाइन जो वेंडर्स हैं जो कि ऑनलाइन आना चाहते हैं, ये उनके लिए सीरीज कर रहे हैं ताकि बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है और लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो कितने अलग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। कोई सेलर अपने पास जो इन्वेंट्री है उससे बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई जिसके पास ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो ऑनलाइन के बारे में जान के अपना कर रहा है, या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहा है। तो आज के जो सेलर है हमारे पास वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ, जीरो इन्वेंट्री के साथ कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को अच्छे स्केल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी इन वेबसाइट से भी कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट्स में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम ब्रेव सेलर सीरीज में गोपाल सर से बात कर रहे हैं जिनका अमेजोन पे स्टोर नेम गॉड ट्रेडर्स है। तो आइए हम एक और सेलर का इंटरव्यू आपके पास लेके आए हैं, बात करते हैं कि इनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये क्यों ऑनलाइन में आए और ये अपना ऑनलाइन जर्नी को किस तरह देखते हैं, किस किस पोर्टल्स पे अवेलेबल है और बिजनेस करने में इनको कितना मजा आता है। तो थैंक यू सर इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिग फैक्शन को ज्वाइन करने के लिए। सर तो सबसे पहला सवाल से मैं शुरू करूंगा कि आपने सर ऑनलाइन जर्नी किस ईयर में शुरू किया? 2021 में जब कोरोना आया तो उसके कुछ दिनों बाद थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन सोचा कुछ पोटेंशियल करें, तो फादर की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो देन आई थिंक के कुछ नया शुरू करते हैं जो सबसे हटके हो। तो आई स्टार्टेड विद अमेज़न। तो जैसे कि आपने बताया कि 2021 में आपने स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए आपको एज ऑनलाइन सेलर हुए। तो उस समय जो फैक्टर्स थे जो आपको ड्राइव की, मतलब 2020 में प्रॉपर लॉकडाउन लगा, 2021 में तो पैंडेमिक बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपैंड हुआ, तो उस वजह से तो 2020 में क्या ये थॉट ऑलरेडी आ चुका था कि ये थॉट एक्चुअली 2021 में ही आया? नहीं सर, एक्चुअली पहले से ये थॉट था कि ऑनलाइन बिजनेस तो करना है एज अ साइडलाइन, पढ़ाई के साथ साथ साइडलाइन तो करना ही है। ओके, ये वही जो ऑनलाइन करने का एक डिसीजन था, ये किसी सेलर या ट्रेडर को देखते देखते आया सर, या फिर आप ऑनलाइन कुछ चीजें पढ़ रहे थे या देख रहे थे उसके वजह से डिसीजन बना? कुछ सोशल मीडिया की वजह से आया, कुछ एक दोस्त था जिसके साथ में हमने इंटर जो 12th वगैरह करते हैं जी, तो उसके साथ वो भी करता था, तो थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला। ओके, तो धीरे धीरे करके ऐसे करके बढ़ते गए। तो आपने बताया कि अमेज़न से आपने स्टार्ट किया, तो अमेज़न से जब आपने स्टार्ट किया तो किस और पोर्टल्स पे अभी आप हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ? पहले अमेज़न से शुरू किया, तो धीरे धीरे करके पता चला कि फ्लिपकार्ट से, फिर मीशो पर, फिर जियो मार्ट पर, फिर अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करवाई, फिर शॉपिफाई पर आए, धीरे धीरे करके फिर ग्रोथ होती गई। जैसे जैसे कोई कोई बताता गया, धीरे धीरे करके बढ़ते गए। ओके, व्यूअर्स को बताने के लिए सर सबसे पहले बात करेंगे किस कैटेगरी पे आप सेल करते हैं, किस कैटेगरी के सेलर हैं आप, मतलब कौन से कैटेगरी को आप सेल करते हो? सर एक्चुअली मेरा ट्रेडमार्क जो है वो सिलोवो के नाम से है, सिलोवो जो कि क्लास 21 में आता है, वैसे वो किचन यूटेंसिल्स वगैरह में आता है, तो ज्यादातर उसी में डील करते हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग ड्रॉप शिप करते हैं चाइना के साथ, चाइना से, तो वहां से वो मल्टी कैटेगरीज में करते हैं सर। तो जैसे कि होम एंड किचन से आपने स्टार्ट किया और ड्रॉप शिपिंग किया मल्टीपल कैटेगरी से, तो मेरे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा हो गया इसकी वजह से, बिकॉज़ हर कोई ड्रॉप शिप नहीं करता। तो होम एंड किचन की कैटेगरी आप कैसे सेलेक्ट की और ये जीरो इन कैसे हुआ, ये डिसीजन कैसे बना? सर एक्चुअली होम एंड किचन का ऐसे बना कि हम लोग जब अमेज़न से जब शुरू में जुड़े थे जी 2021 में, तो सर ओरिगामी करके नाम आती है कंपनी, करेक्ट, तो वो किचन, होम एंड किचन की रोल्स बेचते हैं, उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, तो हमने उसके प्रोडक्ट मंगाए, बेचे, तो धीरे धीरे करके फिर वहीं से फिर स्टॉक हमारे पास, जब उन्होंने ब्रांड अप्रूवल डाला उस पर अपनी लिस्टिंग पर, तो सर धीरे धीरे करके फिर हमें वहां से भी हमें बंद करना पड़ा, तो हमने खुद की ब्रांड डेवलप करने की सोची कि हम इसी कैटेगरी में डील करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा फायदा भी है, हमें पोटेंशियल भी है इसका, हमें इसकी जानकारी भी है, अच्छी नॉलेज है, तो हमने सोचा इसी में डील करते हैं तो बेटर है, तो इसके बाद फिर हम वहीं से होम एंड किचन में ही डील कर रहे हैं।
और ये तो आपने बताया होम एंड किचन पे, जहां पे आप खुद के प्रोडक्ट्स पे हैं, ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको नॉलेज कब लगा, और ड्रॉप शिपिंग फिर आप कैसे बिजनेस स्टार्ट किए? पर ड्रॉपशिप के बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला, 6 से 7 महीने पहले, लमसम नवंबर के आसपास। तो ऐसे एज अ फ्रेंड एक मेरे से कनेक्ट हुए थे। वैसे तो कॉल्स आती रहती हैं, जब आप अमेजोन के सेलर या फिर किसी और के सेलर बन जाते हो तो मल्टीपल्स ऑफ कॉल्स आती रहती हैं कि आप इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। बट ऐसे ही ड्रॉपशिप के बारे में पता चला, बट एक फ्रेंड है गुड़गांव के, तो उन्होंने उसके बारे में बताया जो कि कंपनी में कनेक्टेड है। जी तो फिर वहां से मुझे पता चला कि मेरी कंपनी से आप लिंक हो जाइए, मैं करवा दूंगा। तो फिर जी तो ड्रॉप शिपिंग करने से क्या लगा कि इन्वेंट्री की आपके पास इन्वेंट्री रखने का अब उतना हेडेक नहीं है, ये सारी चीजें, तो बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग का कैसा लगा? जो हम लोगों के पास सर 8 से 10 लाख रुपए का स्टॉक बना के रखते थे हम, वो फिर हमें स्टॉक रखना नहीं पड़ा और इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई। अब हम लोग पहले हम मिनिमम 3 से 4 प्रोडक्ट में डील करते थे, बट अब मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1,50,000 प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो सब में डील करते हैं। जी, इन्वेंट्री साइज भी बड़ी हो गई और हमें इन्वेंट्री स्पेस का भी वो नहीं करना पड़ा, वेयरहाउस मैनेजमेंट का भी जी जी ध्यान जी रखना सर। पड़ा, अदरवाइज बहुत हैसल हो जाता हाँ है। जी ये तो रहा इसकी बातें, कैटेगरी की बातें, अब बात करते हैं इन्वेंट्री की, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या होम एंड किचन में भी है। होम एंड किचन में हमें पता है कि प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब इन्वेंट्री साइज जी की कमी नहीं है, छोटे हो या बड़े हो, स्मॉल अप्लायंसेज या लार्ज अप्लायंसेज। और सिमिलरली ड्रॉप शिपिंग में गए हैं तो वहां तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीज हो गया। इन्वेंट्री को ऐड करने के लिए अपने ई कॉमर्स पोर्टल्स पे क्या डिसीजन को आप देखते हो, या क्या फैक्टर्स आप देखते हो तब फिर उसको ऐड करते हो, कैसे ऐड करते हैं इन्वेंट्री आप अपने सर, पोर्टल? हमें ज्यादातर कुछ नहीं करना पड़ता, उनके क्लाइंट मतलब जो मैनेज करते हैं वो सब कुछ वही मैनेज करते हैं। वो हमें फाइल दे देते हैं, हम अपलोड कर देते हैं, बाकी का हमें खुद की विजिबिलिटी अकाउंट पर सील लाने के लिए हमें खुद से अपना करना पड़ता है। जैसे एड्स लगाने होते हैं, एडवर्टाइज कूपन्स लगाने कूपन हो होते हैं। गया, करेक्ट, जी ओके। तो जैसे कि प्रोडक्ट पैकेजिंग, तो मैं समझ में आ गया कि जब ड्रॉप शिपिंग है तो वो आपका हैसल नहीं है। जब जी आप एज अ न्यू सेलर थे तब पैकेजिंग कैसे करते थे, वो क्या डिसीजन आप कैसे बनाते थे कि पैकेजिंग कैसे करना है? स्टार्टिंग मेरे साथ में ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि कस्टमर कैसा प्रेफरेंस करता है पैकेजिंग में। मैं ज्यादा सा एज का था नहीं उस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा 20 साल की उम्र होगी मेरी। तो जी जी एज अ न्यू मुझे ये ही नहीं पता था कैसे होना है कैसे नहीं होना। आई गॉट फ्रॉड टू, कि मतलब मैंने कुछ प्रोडक्ट भेजे हैं और कस्टमर्स ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है कि उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके पता चला, मुझे बहुत कुछ पता चला, बट इवेंचुअली फिर मुझे फिर ये समझ में आया कि अगर आपको लंबे समय तक टिकना है मार्केट में तो आप अच्छी अच्छी पैकेजिंग रखिए। अमेजोन की खुद की पैकेट उनको उनके प्रिंटेड मंगाइए। पॉली आती हैं, पॉली बैग्स आते हैं, वो धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके सर धीरे धीरे समझते गए। एज एज एक्सपीरियंस आता गया, हम उसी लाइन में बढ़ते गए और फिर धीरे धीरे करके हमें मिलता गया जो भी गॉट इट, गॉट इट। जी तो यही मेरा नेक्स्ट सवाल होना था, रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर। कि रिटर्न्स का अच्छा, एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपने बता दिया कि प्रोडक्ट कुछ और आ गया, डैमेज आ गया, डिफेक्टिव आ गया, या ऑल टुगेदर दूसरा ही प्रोडक्ट, मतलब कि बॉटल भेजे भेजे शायद शूज आ गया, या ऑल टुगेदर खाली बॉक्स था, तो रिटर्न्स जी पे आपका क्या एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स सर, पे? रिटर्न्स का शुरू से ही एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस वो ही था जो फ्रॉड हो गया, तो जी कोई भी डिमोटिवेट हो जाता है करने से। तो करेक्ट, क्या अब नहीं करना। बहुत सारे दोस्तों ने साथ में शुरू भी किया था तो उन्होंने बंद भी कर दिया इसी वजह से कि अब नहीं करेंगे, बेकार है सब करना। बट मैं नहीं था ऐसा, करना है तो करना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 10 से 20% का रिटर्न लेके चलते हैं हमेशा। ओके। अगर हम 100 अगर 100 पैकेट भेज रहे हैं तो उसमें से 20 पैकेट तो मान के चलते हैं कि इसमें से रिटर्न आएगा। वो कोरियर रिटर्न हो, कस्टमर रिटर्न हो, बहुत सारे कस्टमर्स को समझ में नहीं आता प्रोडक्ट। कोई कोई बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि एड्रेस ऐसा डाल देते हैं जो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। कुछ जी कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि मेरी गली के जस्ट बाहर देके चला जाए, ऐसा एड्रेस डाल देते हैं। तो सर अच्छा, उसकी वजह से भी रिटर्न्स आते हैं, कुछ कस्टमर्स को पसंद नहीं आते हैं, कुछ ब्रेकआउट हो जाते हैं रास्ते में। तो कौन सा मार्केट प्लेस का लगता है कि इसका रिटर्न्स जो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड रहता है, इसके सर कस्टमर्स जो लगते आई हैं थिंक कि ये ज्यादा दोनों ही मान के चलूंगा सर। सबसे बेस्ट है वेबसाइट, हम करेक्ट अगर अपना करते हैं तो उसमें रिटर्न्स बहुत कमाते हैं। हम लोग बिल्कुल उसमें मुश्किल से 2% लेके चलते हैं कि बिल्कुल पे आउट कस्टमर एडवांस में करता है। तो कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचना होता है, बिल्कुल तो वो पहले ही हम उसके उसको बता देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि ये होना है,
उसको कोई इश्यूज होते हैं तो वो कॉल पे डिस्कस कर लेता है. तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कस्टमर की रिटर्न जो है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ज्यादा आती है. ओके ओके, ये तो रिटर्न्स पे बात हुई. वेबसाइट के बारे में भी आपने स्टार्टिंग में बोला, अभी भी बोला, तो वेबसाइट का थॉट कैसा लगा? शॉपिफाई पे भी आप हैं, तो ये वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स स्टार्ट किए फिर वेबसाइट भी किया, वेबसाइट बनाने का थॉट क्यों आया और फिर इसको इतना अच्छा से स्केल कैसे कर रहे हैं? सर एक्चुअली अमेज़न और फ्लिपकार्ट की आपको पता होगा कमीशन होते हैं, बहुत सारी फीस होती है, क्लोज फीस होती है. तो ये एक्स्ट्रा हम अगर कोई चीज 1000 रुपए की बेच रहे हैं तो वो हमें मुश्किल से 600 या 700 रुपए में पड़ती है ज्यादा से ज्यादा सेलर के, एज अ सेलर तो कस्टमर को ऑलमोस्ट बहुत महंगा पड़ जाता है. वही हम वही चीज अपनी 1000 वाली चीज को हम अगर अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं तो 500 से 600 रुपए में बेच देते हैं, जिस थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम करके. तो पहला यही था कि कस्टमर को थोड़े कम रेट में मिले, दूसरा रिटर्न का था सर, बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं उसमें, ये दो फैक्टर थे सबसे बड़े. अच्छा, तो बिग फैक्शन से आप कैसे जुड़े और हम लोग ने आपकी हेल्प कैसे किया? सर आपसे ड्रॉपशिप का ही काम करते हैं एक सर, उनका नाम प्रवेश सर है, प्रवेश, वो ड्रॉपशिप में ही काम कर रहे हैं शॉपर में. एज अ अभी कुछ दिन पहले 2 जून को मेरा अकाउंट बंद हो गया था जी. तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी को दे रखा है अपने अकाउंट, उन्होंने रीएक्टिवेट करा दिए हैं, तो मैं आपको नंबर भेज दे रहा हूँ तो उनसे कनेक्ट कर लीजिए. मैंने श्वेता मैम से कनेक्ट किया जी, सी इज टू गुड, उन्होंने बहुत हेल्प करी. तो धीरे धीरे करके फिर उन्होंने भी मतलब 8 से 5 दिन में शुरू अकाउंट रीएक्टिवेट हो चुका था. ओके, आप ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, एक दो सवाल और है. जैसे कि ई कॉमर्स में आपने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आपको उस समय बिजनेस जब स्केल कर रहे थे तब कैसा आपका माइंडसेट था, थॉट था, और अभी जब 2 साल हो चुके हैं तब क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो सकता है? चेंजेस ऐसे हैं कि सर कभी कभी तो मन करता है कि बंद कर दो, जब रिटर्न्स ज्यादा आते हैं तो अमेज़न फ्लिपकार्ट को बंद कर दो, बट हम डिमोटिवेट हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑनलाइन है. जब हम फिजिकली यहाँ पे दुकान पर भी है शॉप पर तो वहां पे भी कस्टमर देखता है, 4 बार तो देखता ही है एक प्रोडक्ट को. तो कस्टमर को ऐसा तो मान नहीं सकते कि वो सीधा एक बार में ले और वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लेके और ले ले. तो हम लोग सपोज करते हैं कि रिटर्न तो आने ही है, करना ही है. तो धीरे धीरे करके सब ग्रोथ कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है इस लाइन में. लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, जो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में आप सुने और आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या लगता है कि इस ई कॉमर्स का फ्यूचर में स्कोप क्या है सर, करियर के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से क्या ग्रोथ मिल सकता है, बिकॉज आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेंगी, उस हिसाब से फिर कैसे देख रहे हैं सर? एक्चुअली अगर हम करना चाहें, मैंने ये साइडलाइन बिजनेस शुरू किया था सर एज अ स्टडी के साथ साथ में जी. तो मैं तो साइडलाइन ही लेके चलूंगा इसको, बट कोई भी लेके चलना चाहता है, ये बहुत ईजी होता है ई कॉमर्स का. आप दिन में 2 से 3 घंटे दीजिए, बहुत रेयरली आप चाहें तो 1 घंटे भी दे सकते हैं अमेज़न को, सिर्फ देखना होता है आपको ढंग से. और बहुत सही है, आप अपनी लाइन से आप अपने बाकी के काम करते रहिए और साथ में ये आप करते रहिए, आपका पॉकेट मनी जो होती है, आप कहते हैं जो इस एज में बच्चों को पॉकेट मनी चाहिए होती है वो निकल आती है, आपके खुद के एक्सपेंसेस निकल आते हैं, आप एक्स्ट्रा आप घर अपने घर वालों को भी दे सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है. और धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं, जब मेरे अंदर जब मैं अमेज़न का एक सेलर था शुरू में, तो वहां से एक थॉट आया, अगर हम यहाँ पे एक दूसरे की वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो अपनी भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं. Correct. तो धीरे धीरे करके वहां से भी बढ़ सकते हैं आप. बहुत आपने बोर्ड का एग्जांपल देखा होगा कहां से शुरू किया था, कहां पहुंच गए. तो आप शुरू करिए, आप बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, मैं यही कहना है मेरा. थैंक यू सो मच गोपाल जी अपना इंसाइट्स देने के लिए. आई गेस बहुत अच्छी बात, बिकॉज सबसे बड़ा चीज मैंने ड्रॉप शिपिंग पकड़ा इस इंटरव्यू में, बिकॉज बहुत सारे कम सेलर्स हैं जो इस मॉडल को यूज भी कर रहे हैं, बट अभी यूज कर रहे हैं आप, सक्सेस भी है आपको, बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है. सो ये बहुत ही मोटिवेशन फैक्टर्स है, इसको डेफिनेटली हम लोग हाईलाइट करेंगे. बट आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच और उम्मीद करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे. यू टू. थैंक यू.